नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें हृदय रोग स्पेशलिस्ट द्वारा मरीज का दिल का छेद बंद कर सफलता पूर्वक किया इलाज, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डिस्चार्ज करे जा सकते हैं। अगर यही मरीज ऑपरेशन के लिए जाता तो कम से कम 7 से 10 दिन तो बढ़ती रहता अस्पताल में, उस चीज़ का खर्चा होता, उसका अपना वर्क लॉस होता, और यहाँ से जाने के बाद भी कम से कम 4 हफ्ते के लिए जो है वो रेस्ट करे था। लेकिन अब इस तरह के जो है, इसे कहने के लिए तो ऑपरेशन है, लेकिन ये केवल एक मिनी प्रोसीजर है, और जिसके करने से जो है उसको दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं, चौथे दिन से अपने काम पर वो जा सकता है। ये चीज़ बहुत हाईलाइट है। इसके बारे में डॉक्टर जीतेश मालिक ने एक केस करा है, जिसमें एक पेशेंट जिसके दिल में छेद था, उस छेद को बिना ऑपरेशन के द्वारा एक एंजियोग्राफी टाइप की टेक्निक से एक डिवाइस डायल के ही क्लोज कर दिया गया। तो मैं अब डॉक्टर जीतेश जी से कहूँगा कि वो उसको डिटेल में चलाएंगे। सब इको वगैरह करके, क्योंकि इसमें डिवाइसेस के बेसिकली साइजेस होते हैं, तो वो साइजेस हमने प्रोक्यूर किए, मंगवाए, और 13 को ये ऑपरेशन करके 15 को पेशेंट को बिठा दिया था, और 16 को पेशेंट घर जाने लायक हो गया। सर कितना खर्चा आती है? और हमारे अस्पताल में ये ऑपरेशन हम 1,40,000 तकरीबन में कर देते हैं। इसमें सारी दवाइयाँ, रहने का खर्च, सब कुछ इंक्लूडिंग होता है, जो कि ये कॉस्ट एक ओपन हार्ट सर्जरी की कॉस्ट तकरीबन 2 से 2.5 लाख आती है, उससे काफ़ी कम है। तो ये मिनिमल इन्वेसिव टाइप की सर्जरी है, इसमें पांव द्वारा, एंजियोग्राफी रूट के द्वारा ये सारा ऑपरेशन किया जाता है, और इसमें खर्चे भी काफ़ी कम आते हैं, ना ही पेशेंट को कोई चीरा फाड़ी होती है और ना ही कोई कट वगैरह। सर, माना जाए कि जैसे दिल्ली से लोग जाते थे, अब मुरादाबाद में भी सुविधा हो गई है, या आपने शुरुआत करी है? नहीं, ऐसा नहीं है, सुविधा धीरे धीरे बढ़ रही थी। सर ने बताया कि एंजियोग्राफी पहले यहाँ होती थी, फिर धीरे धीरे एंजियोप्लास्टी शुरू हुई, फिर हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के दौर में कदम रखा, जिसमें नॉर्मली रिस्क बहुत होता है करते वक्त, क्योंकि आपको क्लॉट वगैरह निकालने होते हैं, वो सुविधा प्राप्त की गई। और नेक्स्ट स्टेज में हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ का मतलब, या तो दिल में छेद हो उसको भी बटन द्वारा बंद करें, ये भी सब काम दिल्ली में होते थे, पहले यहाँ से रेफर होते थे, वो अब काम स्टार्ट हो गया है, इसके हमने पहला केस यहाँ कर दिया। इसके साथ साथ हम लोग बलूनिंग भी करते हैं, जिसमें वाल्व का सुखड़ना आदि हो जाता है, जिसके लिए आमतौर पर पेशेंट्स को ओपन हार्ट करके वाल्व बदलना पड़ता है, तो जिसको बलूनिंग कहते हैं, बलून मेट्रो वाल्वॉटमी, वो भी हमने काम यहाँ शुरू कर दिया। तो ऐसा कह सकते हैं जो सारे काम दिल्ली में होते थे, अब वो यहाँ छूते नहीं रहे हैं, वो सारे काम हो रहे हैं। पहले शहर में ये था, अच्छे से डिटेलिंग देने के लिए, बेसिकली ये जो मरीज है, ये हमारे पास आई थी तकरीबन 1-2 महीने से आ रही हैं, इनको 5 साल पहले से तकलीफ है कि इनको सांस फूलता है, चलने पर धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इनको 5 साल पहले ही यहीं शहर के डॉक्टरों ने डायग्नोज कर दिया था कि इनके दिल में छेद है, जिसके लिए इनको दिल्ली भेजा गया था। अब दिल्ली में भी इनका इलाज चला, वहाँ भी इनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया था, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी होती है सर्जिकल एयर स्ट्रिंग क्लोजर के लिए, बट समा वो पेशेंट रेडी नहीं थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि वो बड़े ऑपरेशन के दौर से गुजरे, तो इसलिए वो दवाइयों पर ही चलती रही, जिसके कारण उसके दिल के जो 2 खाने हैं वो काफ़ी फैलते गए, जिसकी छेद के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो फिर समा वो हमारे पास 1-1.5 महीने से विजिट पर आ रही थी, फिर हमसे हमने बातचीत करी, सब चीज़ किया, सब समझाया, तो हमने पाया कि वो सर्जरी नहीं कराना चाहती हैं। फिर हमने क्या किया कि इनके मुँह से द्वारा जाँच की जाती है, जिसको ट्रांसइसोफेजियल इको कहते हैं, इसमें हमने पाया कि इस छेद को डिवाइस यानी बटन द्वारा बंद किया जा सकता है। फिर समा उस पेशेंट को हमने एडमिट किया, सारी वर्कअप किया, और फिर 2 दिन पहले इनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया है, और आज 2 दिन बाद पेशेंट चलने फिरने लायक हो गई हैं और अपने घर जा सकती हैं। पहले ये तकरीबन 8 से 10 दवाइयाँ खा रही थी सांस फूलने की वजह से, अब सिर्फ ये 3 से 4 दवाइयाँ खाएंगी, जो कि 6 महीने बाद पूर्णतः बंद हो जाएंगी और ये अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। सर, किस तारीख को यहाँ पर एडमिट हुई थी? मरीज हमारे पास एडमिट हुए थे 25 तारीख को। कुछ पैसे लिए आपसे या फ्री में?
क्या कहना चाहेंगे इस डॉक्टर के बारे में? क्या डॉक्टर को खाना भी अच्छा मिला।